हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज बहुत ही अच्छा सा यूनिक सा पैटर्न लेकर आई हूँ। दो कलर में हम बनाएंगे डिज़ाइन, जो छोटे बच्चों के स्वेटर पे बहुत ही अच्छा लगता है डिज़ाइन। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने ये थोड़ा सा सीधी सीधी सिलाइयाँ बना ली हैं। तो फ्रेंड, ये वाला जो डिज़ाइन है, ये 6 के मल्टीपल में फंदे हमें चाहिए और 3 फंदे हमें एक्स्ट्रा चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने ये थोड़े से 21 फंदे मैंने ले लिए हैं आपको बताने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, हम दूसरा वाला कलर जो है वो लगाएंगे। तो ये देखिए, पहले हम इस वाले कलर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। सीधी साइड से ही ये डिज़ाइन बनेगा। अब ये देखिए, हम धागे को इस तरह से अंदर कर लेंगे और 5 फंदे हम बिना बुने अपनी सिलाई पे उतार लेंगे। ये देखिए, ये हमने 5 फंदे उतार लिए और अब हम फिर से धागे को बाहर की तरफ करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अंदर करेंगे और फिर से 5 फंदे हम इस तरह से बिना बुने अपनी सिलाई पर उतारेंगे और फिर से धागा बाहर करेंगे और 1 फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से धागा अंदर करेंगे और 5 फंदे हम बिना बुने उतारेंगे और फिर से 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब देखिए फ्रेंड, रॉन्ग साइड से कैसे बनाएंगे। रॉन्ग साइड से भी ये 2 फंदे जो हमने ब्राउन वाले बनाए हैं दूसरे कलर के, ये 2 फंदे हम उल्टे बनाएंगे और धागे को बाहर निकाल देंगे इस तरह से और ये वाले फंदे, 5ों फंदे हम इस तरह से सिलाई पे उतार लेंगे, इनको बनाएंगे नहीं। फिर धागा अपनी तरफ लाएंगे अंदर की तरफ और ये फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर धागा बाहर करेंगे और फिर से 5 फंदों को बिना बुने हम इस तरह से उतारेंगे। फिर धागा अपनी तरफ अंदर लाएंगे और ये 1 फंदा उल्टा बनाएंगे। फिर धागा बाहर करेंगे, 5 फंदे बिना बुने हम सिलाई पे ले लेंगे और फिर से 2 फंदे उल्टे बना लेंगे हम। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारी 2 सिलाई यहाँ पे हमारी बन गई हैं। अब आगे देखिए फ्रेंड क्या करेंगे। आगे हम दूसरे वाले थ्रेड को चेंज करेंगे। तो अब हम एक सिलाई उल्टी और एक सिलाई सीधी इस वाले ब्लू वाले धागे से बनाएंगे। इसमें हम कुछ भी फंदे को, किसी फंदे को कुछ नहीं करने वाले हैं। सभी फंदों को इसी तरह से सीधा सीधा बनाना है। एक सिलाई सीधी बनेगी और एक सिलाई हमारी उल्टी बनेगी इस तरह से। रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारी रॉन्ग साइड भी कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से राइट साइड में आ गए हैं। अभी तक हमारी इसमें 4 सिलाइयाँ हो गई हैं। 2 हमारी ये धागे वाली डिज़ाइन वाली और 2 हमारी प्लेन सिलाइयाँ बन गई हैं। और अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। अभी भी हम ब्लू वाले धागे से ही बनाएंगे। इस वाले धागे की 2 सिलाई पड़ेगी और इस वाले में 4 बनाएंगे हम। 2 हमारी बन चुकी है, 2 सिलाई और बनेगी। और ये 2 सिलाई हम कैसे बनाएंगे ये ध्यान से देख लीजिए। ये हमने
ये दो फंदे हमारे सीधे बनेंगे, और ये जो पांच फंदे हैं इनमें से दो फंदे हम और सीधे बना लेंगे, तो टोटल हमारे चार फंदे सीधे हो जाएंगे। और ये बीच वाला जो फंदा है ये हम इस तरह से, ये देखिए धागों के नीचे से इस तरह से सिलाई को डालेंगे और इस तरह से पलट के इस तरह से हम लोग अपना सीधा फंदा बनाएंगे। अब फिर से ये हमारे दो फंदे ये सीधे बन गए हैं, जो पांच फंदे हमने बिना बुने उतारे थे वो बन गए हैं। और ये हमारा जो एक फंदा हमने दो कलर वाला ये कलर चेंज करके बनाया था वो फंदा हो गया। अब फिर से आगे हमारे ये हमारे पास पांच फंदे हैं, इसमें से फिर से हम दो फंदे सीधे बना लेंगे और फिर से सेंटर वाले फंदे को इस तरह से धागे को उठाएंगे सिलाई से और इस तरह से हम सीधा फंदा बनाएंगे। और फिर से हम दो फंदे ये भी सीधे बना दिए और ये हमारा ये डिज़ाइन वाला बीच में फंदा है। और आगे फिर हमारे पास पांच फंदे हैं, तो इन पांच फंदों के दो फंदे हम फिर से सीधे बनाएंगे और फिर से सेंटर वाले फंदे को इस तरह से धागों को उठाएंगे और इस तरह से हम नीचे से घुमा के अब हम सारे फंदे सीधे बना लेंगे। और अब देखिए ये इस तरह से हमारा पैटर्न आ गया है। आगे देखिए फिर से हम उल्टी तरफ से पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी रॉन्ग साइड से पूरी सिलाई रॉन्ग बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारी ये छह सिलाई का यहाँ तक हमारा जो है डिज़ाइन एक कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखिए जब हमने नया डिज़ाइन शुरू करना है तो कैसे करेंगे। पहले हमने, अब हम धागा भी चेंज करेंगे, तो पहले हमने दो फंदे दूसरे वाले कलर से बनाए थे जो हमने चेंज करा है, तो अब हम इसमें एक फंदा सीधा बनाएंगे इस तरह से। और ये हम, ये देखिए ये तीन फंदों को हम धागा अंदर करेंगे, एक दो और ये तीन, ये हमारे तीन फंदे यहाँ पे बिना बुने हम उतार देंगे, ये देखिए। और अब हम इस वाले फंदे को जो हमने नीचे से निकाल के बनाया हुआ फंदा है इसको हम इस वाले कलर का बना देंगे, ये देखिए। अब आगे देखिए फिर से ये वाले जो पांच फंदे हैं धागा अंदर करेंगे और ये पांच फंदे हम इस तरह से, देखिए इस तरह से हम इन फंदों को उतारेंगे, ये देखिए ये पांच फंदे हो गए हमारे। फिर से हम इस वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा अंदर लाएंगे, फिर से ये पांच फंदे उतारेंगे और फिर धागा बाहर करेंगे और इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे। और फिर से हम तीन फंदे उतार देंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो फ्रेंड ये हमारे यहाँ पर एक बार ही हम दो फंदे बनाएंगे इस वाले कलर से सीधे जब हम धागा चेंज करेंगे, और एक बार यहाँ पर एक फंदा आएगा सीधा धागा चेंज करने पर। तो फ्रेंड इसी तरह से हमारा जो पूरा पैटर्न है इसी तरह से रिपीट होगा। तो आप शुरू में ही जब अपना फंदे का ध्यान रखेंगे तो आपका पैटर्न जो है वो बिगड़ेगा नहीं। तो चलिए फ्रेंड रॉन्ग साइड से फिर से ये वाला फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बाहर करेंगे और ये वाले हम तीन फंदे बना लेंगे अपना, ऐसे ही सिलाई पर उतारेंगे। फिर से एक फंदा उल्टा, फिर से धागा बाहर करेंगे और हम पांच फंदे सिलाई पे ऐसे ही बिना बुने निकाल लेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर से धागा बाहर, फिर पांच फंदे इस तरह से निकालेंगे सिलाई पे बिना बुने, फिर एक फंदा उल्टा, फिर से तीन फंदे निकालेंगे
और फिर से एक फंदा उल्टा। तो चलिए फ्रेंड, इसी तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन है अब आगे देखिए फ्रेंड, ये हमारे दो धागे हो गए, यहाँ पे फिर से दो सिलाई हो गई। अब हम धागा चेंज कर देंगे और अब हम ब्लू वाले से एक सिलाई उल्टी और एक सीधी सिलाई बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, मैं बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा इस तरह से अब सिलाई कंप्लीट हो गई है। और अब देखिए आगे, फिर से हम डिज़ाइन को कैसे बनाएंगे। यहाँ पे हमने एक फंदा सीधा बनाया और ये एक फंदा और सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हमारे ये तीन फंदे थे, तो ये सेंटर वाला जो फंदा है इसको इस तरह से नीचे से सिलाई डाल के इस तरह से नीचे से फंदे को लेना है। सॉरी फ्रेंड, हमने ये धागा दूसरा लग गया। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमने यहाँ से नीचे से सिलाई को लेना है और ऐसे बनाना है फिर से। अब ये देखिए, यहाँ पे हमने ये फंदा भी सीधा बना लिया। अब ये हमारे पास पांच फंदे हैं, ये देखिए ये हमारे पांच फंदे हैं। तो दो फंदे हम इसमें से सीधे बना लेंगे और फिर से नीचे से सिलाई डालेंगे और सेंटर वाले फंदे को इस तरह से उठाएंगे नीचे से और सीधे फंदे बना देंगे। फिर से हम आगे, हमारे पास ये देखिए पांच फंदे आ गए, इनमें से फिर से हम दो फंदे सीधे बनाएंगे, फिर से एक नीचे से फंदे को धागों के नीचे से निकालेंगे। इसी तरह से फ्रेंड हमारा जो डिज़ाइन है बनेगा। अब हमारे पास फिर से तीन फंदे वाला आ गया है कॉर्नर पे। अब हम इसमें से इस तरह से बनाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, मैं अभी आपको रॉन्ग साइड बना के दिखाती हूँ सिलाई। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा पैटर्न जो है कुछ इस तरह से बन के आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बनेगा। एक बारी हम यहाँ पे ये वाले धागे से एक बारी दो फंदे आएंगे हमारे इस वाले धागे के और एक बार एक आएगा। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न जो है बनने के बाद इस तरह से हमारा पैटर्न दिखाई देगा। ये देखिए, तो चलिए फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ, जब आप बड़े प्रोजेक्ट पर इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो ये डिज़ाइन आपको देखने में कैसा लगेगा। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरह से बनने के बाद हमारा डिज़ाइन जो है ऐसा दिखेगा। तो ये आप बच्चों के स्वेटर पे बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये लगता है कि ये थोड़े से धागे लंबे दिख रहे हैं तो आप इनको तीन फंदों से भी बना सकते हैं, पांच की बजाय आप तीन फंदे रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो फ्रेंड ये देखिए, नीचे मैंने ये बॉर्डर इसका इस तरह से बनाया हुआ है। तो इस वाले बॉर्डर की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख सकते हैं। इस वाले डिज़ाइन से आप बॉर्डर भी बना सकते हैं और पूरे स्वेटर में भी इस डिज़ाइन को बना सकते हैं, बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड, आपको कैसा लगा मेरा डिज़ाइन और समझाने का तरीका कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो मिलते हैं आगे एक नया डिज़ाइन लेके, तब तक आप सब खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।